चाची का ब्रेसलेट। सलोनी, सावरी को बुखार तो नहीं है? फिर तुम इतनी परेशान क्यों? ये ब्रेसलेट सलोनी, ये ब्रेसलेट तुम्हें जीजी ने दिया है ना? उर्वशी को, तुम्हारी बच्ची को तुम्हें लौटाना ही होगा सलोनी। परंतु अगर तुम ही इस तरह से सलोनी, सलोनी मैं जानता हूं कि इस समय कोई भी बात, कोई भी शब्द तुम्हारे दुख को कम नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें ईश्वर पर भरोसा तो है ना? तुम देखना कि वो कैसे क्या करेंगे आपके ईश्वर अभी जी, और कहा है, और अगर है तो क्यों ये सब मेरे साथ होने दे रहे हैं वो? एक माँ 9 महीने एक बच्चे को अपने कोख में पालती है, इतना दर्द सहने के बाद उसे इस दुनिया में लाती है, और आपके ईश्वर उसे उसी माँ से दूर रखते हैं। मुझे तो अब पूरा यकीन हो रहा है इस दुनिया में ईश्वर जैसी कोई शक्ति है ही नहीं। सलोनी मैं बस कीजिए, मेरा दर्द सिर्फ मैं ही जानती हूँ, कोई दूसरा उसे महसूस तक नहीं कर सकता, आप भी नहीं। सलोनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक माँ के दिल में बच्चे के लिए प्यार होता है, बाप के दिल में नहीं होता? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो गलत सोच रही हो। जितना प्यार एक माँ के दिल में होता है उतना ही प्यार एक बाप के दिल में होता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ कह बैठती ब्रजेश को। अपने आप को संभालो सलोनी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं जानती हूं भाभी साहब, आप सब मेरे साथ हैं, लेकिन भाभी साहब इस वक्त मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मैं अपना दुख किसी के साथ नहीं बांटना चाहती, मेरे दर्द के साथ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रहने दीजिए भाभी साहब, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन नार, चलिए भाभी साहब। नार, हम इस तरह सलोनी को अकेला नहीं छोड़ सकते। जिस दुख और तकलीफ से वो गुजर रही है उसमें ताकत नहीं है उसे अकेले झेलने की। नार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो रो रो के वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। हम जानते हैं भाभी साहब, परंतु हम चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। मनुष्य के लिए उसका विश्वास सबसे बड़ा होता है, और वो अपना विश्वास खो चुकी है। अगर कोई भी किसी भी तरह से उसका वो विश्वास लौटा पाए तो शायद सलोनी खुद को संभाल सकती है। तुम सही कह रहे हो नार, एक माँ के दर्द को सिर्फ एक माँ समझ सकती है। हमें अंबिका जी से बात करनी चाहिए, शायद वो हमारी कोई मदद कर पाए। क्या हुआ सलोनी को, सब ठीक तो है ना तारा जी? नहीं अंबिका जी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपनी खोई हुई बच्ची के बारे में सोचती रहती है और रोती रहती है। मुझे बहुत डर है कि ऐसा चलता रहा तो उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। चाहकर भी हम उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। अंबिका जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं जी।
आप चिंता मत कीजिए, मैं सलोनी से जरूर बात करूंगी। ठीक है, बाय। हेलो बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। वो तेरे पापा है ना? क्या हुआ पापा को? अरे कुछ नहीं बेटा, जिद पकड़े बैठे हैं कि उन्हें चूरमे का लड्डू ही खाना है। आपने तो डरा ही दिया मम्मी। मैंने तो तुझे सिर्फ डरा दिया है, मगर तेरे पापा ने तो मुझे थका दिया है लड्डू बनवा बनवा के। अब वो जिद पकड़ के बैठे हैं कि अब वो सिर्फ और सिर्फ सलोनी के हाथ से ही लड्डू खाएंगे। बेटा तू एक बार आ जा और अपने हाथों से उन्हें लड्डू बना के खिला दे, ताकि मेरी जान छूट जाए सलोनी। इस वक्त नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं आ सकती, फिर किसी दिन आ जाऊंगी। देख, मैंने उनकी फरमाइश तुझे बता दी है। अब ये बाप बेटी के बीच का मामला, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है मम्मी, मैं आती हूँ। बहुत अच्छा हुआ सलोनी बेटा तू आ गई, अब मुझे शांति मिल जाएगी। अब तू ही संभाल अपने पापा को। वैसे बेटा, मैंने ना लड्डू बनाने की सारी तैयारी कर ली है, ताकि तेरे पापा आसमान सिर पर उठाए, उससे पहले तो उनके लड्डू बनाकर उन्हें खिला दे। वाह अंबिका जी, बस आते ही मेरी बुराई शुरू कर दी आपने मेरे बेटे से। वैसे बेटा, मैंने लड्डू बनाने की सारी तैयारी कर ली। मैं पापा के लिए लड्डू बना कर लाती हूँ। तुम जल्दी से आके बना लो, तब तक हम अपनी गुड़िया रानी से खेलते हैं। चलिए, किसी तरह से कम से कम हमने अपनी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान तो ला दी। बस ये मुस्कान अब हमेशा के लिए बनी रहे, हमें और क्या चाहिए। कितने खुश हैं मम्मी जी और पापा जी अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर। लेकिन आज तक जितनी तकलीफ मुझे सलोनी ने दी है, उस बात की उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं। आज पूजा में जो कुछ भी हुआ, उसका सारा दोष मुझ पर डालकर चले हैं अपनी बेटी का दर्द बांटने। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं सलोनी के जख्म को इतना कुरेदूंगी कि कोई लाख कोशिश कर ले, वो जख्म भरेगा नहीं। और उनकी खोई हुई बेटी की यादें उनकी आंखों से खून के आंसू बनकर बहेंगी। पापा, ये लीजिए आपके फेवरेट लड्डू। अरे वाह सलोनी, और जल्दी बना लिया तुमने लड्डू। इसे कहते हैं लड्डू, तुम्हारे हाथ में जादू है। अब यही जादू अपनी मम्मी को भी दे देना, वरना वो लड्डू बनाती ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट की बॉल हो। हाँ, अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उम्र हो गई है। सलोनी बेटा, ये देख। अरे ये फोटो तो मैंने कभी नहीं देखी। अरे बेटा, तू देखती कैसे, इसे मैंने छुपा के जो रखा था। ये देख, तू कितनी प्यारी लग रही है इस फोटो में ना। मम्मी, आपने तो मेरी बेटी को देखा होगा ना, क्या वो ऐसे ही दिखती है जैसे मैं इसमें दिख रही हूँ? नहीं बेटा, तेरी बच्ची बहुत प्यारी थी। अरे बेटा, बड़े अच्छे वक्त आई तुम। लो ये सलोनी के हाथ के बने हुए लड्डू खाओ, और खा के बताओ कि सलोनी के हाथ में जादू है या नहीं। ले। पापा जी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, सलोनी दी के हाथ में तो जादू है, लेकिन साथ साथ में इनकी महानता की जितनी तारीफ की जाए ना, उतनी ही कम है। अब देखिए ना, सब में इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि अगर खुद की बच्ची छिन जाए तो किसी गैर की बच्ची को अपने सीने से लगा के रख सके
मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना? तुमसे किसी ठीक बात की उम्मीद की कैसे जा सकती है कावेरी? अगर तुम्हारा सब कुछ कहना हो गया हो ना, तो चुपचाप अपना मुंह बंद कर चली जाओ यहाँ से। वैसे सलोनी जी, आपसे एक बात तो और कहनी है मुझे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आप अपनी गोद ली हुई बच्ची को इतना प्यार करती हैं, तो अगर आपकी खुद की बच्ची होती तो आप उसे कितना प्यार करती? जिस पराई बच्ची पर आप अपनी ममता की छांव लुटा रही हैं, वही आपकी अपनी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। कहा मैं चलती हूँ। बहुत ज्यादा तड़पा रहे तुम्हें सलोनी। चलो तुमसे तुम्हारी बच्ची को मिला ही देते हैं। मुझे मेरी बच्ची वापस लौटा दो, मेरी बच्ची वापस लौटा दो माँ। हमने आज तक आपसे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा माँ, लेकिन आज मांगते हैं हमारी खुशी की खातिर। सलोनी को उसकी खुशियां लौटा दीजिए माँ, फिर जिंदगी भर हम आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगेंगे। बस इस बार सलोनी को उसकी बच्ची लौटा दीजिए। और कितना इंतजार करवाओगे तुम? एक बार तो मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। मिलवाएंगे, जरूर मिलवाएंगे सलोनी, जस्ट पेशेंस। फिलहाल अपनी बच्ची की इन यादों से काम चलाना पड़ेगा। सलोनी, ये वक्त भी कितनी जल्दी गुजर जाता है। नहीं,
देखते ही देखते 11 साल गुजर गए और पता भी नहीं चला। लग रहा है जैसे 11 दिन गए हो। नहीं, और कुछ भी तो नहीं बदला। तब भी तुम यूं ही खड़ी होकर अपनी बेटी की निशानी की भीख मांगती थी हमसे, और आज भी यूं ही उसका इंतजार कर रही हो। तुमने ठीक कहा उर्वशी, पिछले 11 सालों से मैं इंतजार में खड़ी हूँ। बहुत लंबा वक्त गुजरा है। तुम्हारे लिए भले ही ये 11 साल 11 दिनों की तरह बीते हों, लेकिन मेरे लिए ये 11 साल 11 सदियों जितने लंबे गुजरे हैं। इतने वक्त में तो पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं पिघला। और कितना इम्तिहान लोगी मेरे सब्र का, मेरी ममता का? बता क्यों नहीं देती मेरी बच्ची कहाँ है? कम से कम उसकी एक झलक तो दिखला दो मुझे। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं उर्वशी, लेकिन हमें तो चाहिए। थैंक यू। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा सलोनी, इतने सालों में तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन हमारे सीने में पत्थर नहीं, दिल है, जिसे तुम्हारी तकलीफ का एहसास हो चुका है। और इसीलिए हमने सोचा कि तुम्हारी बेटी ना सही, कम से कम तुम्हारी बेटी की तस्वीर तो तुम्हें दे ही सकते हैं। सिर्फ परछाई नहीं सलोनी, तुम्हारी बेटी की परछाई है। वैसे तुम्हें एक बात जानकर बहुत खुशी होगी सलोनी, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसे दिखती है, हूबहू। सावरे, क्या कर रही हो तुम बेटा? संभाल कर चलना चाहिए ना, और इतनी कड़ी धूप में कहाँ भागी जा रही हो तुम? आइसक्रीम लेने। आइसक्रीम लेने? लेकिन तुम तो आइसक्रीम खाती नहीं। फिर नहीं माँ, आज अचानक मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था ना। अच्छा, अचानक मन हो रहा था? सच सच बताओ, श्वेता के लिए आइसक्रीम लेने जा रही थी ना? नहीं माँ, मैं अपने लिए लेने जा रही थी, सच। एक बात बताओ, जब झूठ बोलने की आदत ना हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी पता चल जाएगा कि तुम अपने लिए आइसक्रीम लेने जा रही थी या श्वेता के लिए। श्वेता, श्वेता, क्या हुआ मॉम? वैसे आप लोग इतनी धूप में क्यों खड़े हैं? इधर आओ। मैं तो यहाँ तुम्हारी वजह से खड़ी, लेकिन सावरी किस लिए खड़ी है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं मुझे क्या पता ये सावरी यहाँ क्यों खड़ी है। अच्छा, तो तुमने सावरी को आइसक्रीम लेने के लिए नहीं भेजा था? नहीं। झूठ मत बोलो। अब मैं क्या करती मॉम, देखो ना कितनी धूप है, और अगर मैं धूप में निकलती ना मैं काली हो जाती। इसे क्या फर्क पड़ता है, ये तो पहले से काली है ना। श्वेता,